देखो सारी खट्टी हो गई तो किसमें गिर जाए, दाने जो होती है ये सारी लीजिए, ठंडी की होगी निकल जाएगा। तो अब जाते गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ अभी सुबह सुबह किचन में। तो मैंने ना रात को निकाल के रख दिया था दूध फ्रिज में, तो फ्रिज में जब दूध ठंडा हो जाता है और उसके ऊपर जो मलाई होती है इतनी अच्छी खासी मतलब जम जाती है, जितना कि मैं यहाँ पर ना जैसे कि सुबह को दूध आता है तो सुबह को एक बार मैं स्लो गैस पर इसको ना गर्म कर देती हूँ, फिर इसको शाम को गर्म कर देती हूँ 4 बजे के आसपास। तो 4 बजे के आसपास ये 6 बजे तक दूध हो जाता है ठंडा। ठंडा होने के बाद में फिर मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में। फ्रिज में लगभग ये 8-9 घंटे रखा रहता है, तो सुबह को जब आप दूध निकालेंगे तो उसमें इतनी सारी जो मलाई है वो इतनी जम के हो जाती है इकट्ठी, जैसे रोटी जैसी बहुत ही मोटी मलाई पड़ जाती है। तो मैं अपना मलाई को इकट्ठा कर लेती हूँ, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि एक तो लोटा भर गया है मलाई से और एक मैंने यहाँ पर ना बाउल भी भर दी है, तो बहुत सारी मलाई इकट्ठी हो गई है। तो मैं यहाँ पर ना जो दूध में से मलाई निकालने के बाद में इसको कर देती हूँ गरम। तो बस यहाँ पर ना अपना दूध में से मलाई सारी खट्टी हो गई, तो फिर आज सोच रही हूँ कि मैं आज अपने दूध को ना मलाई यहाँ पर निकाल के गरम कर लूँगी और जितना भी घी इसमें से निकलेगा फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फ्रेंड जैसे कि मैं ना सुबह को जब सो के उठती हूँ तो मैं अपने बालों की चोटी बना के नहीं रखती हूँ, तो रात में तो अपने बालों को ओपन करके मतलब सोती हूँ, तो बस सुबह को जब उठती हूँ फिर से मुझे जूड़ा बनाने की आदत है, क्योंकि काम करते समय मैं बालों को खोलती नहीं हूँ क्योंकि पता नहीं पड़ता कि सब्जी में गिर जाएं किस में गिर जाएं, तो बड़ा मतलब दिक्कत हो जाती है, किसी के भी खाने के आगे आ जाते तो बस अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं अपने जब भी किचन में आती हूँ तो अपने बालों को बस जूड़ा सा बना के अपना बालों को क्लेचर से लगा लेती हूँ। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ पोहा। तो पोहा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 आलू लिए हैं और 1 टमाटर लिया है और 1 मैंने लिया है यहाँ पर प्याज, 1 हरी मिर्च ली है। तो आलूओं को भी जैसे कि गोल्डन कलर आने तक इसको हल्का सा भून लेना है और उसी टाइप से मैं यहाँ पर ना इसमें लूँगी थोड़ी सी मूँगफली के दाने। तो यहाँ पर पीनट जो होती है उसको भी मैं यहाँ पर हल्का सा फ्राई करूँगी। मूंगफली के दाने जो होते हैं वो पोहा में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसमें आप हरा धनिया, आलू, टमाटर, प्याज इन सभी चीज़ों को फ्राई करके डाल सकते हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आलू हमेशा ना छोटे छोटे से बहुत पतले पतले से काटे, क्योंकि इनको भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 2 मिनट लगता है, 2 मिनट में ये भूनकर तैयार हो जाते हैं। तो मैंने ना दूध गर्म कर दिया था और अभी जो दूध आया था वो भी मैंने यहाँ पर गर्म करके रख दिया है। चाय भी मैंने वहाँ पर बनाने के लिए पहले ही रख दी थी, तो चाय मेरी बन चुकी है और साथ में यहाँ पर अब मैं बनाना स्टार्ट कर दूँगी पोहा। तो ज़्यादा है नहीं है कि थोड़ा सा मैं पोहा निकाल के पोहा को पानी में भिगो के बस 2 मिनट के लिए भिगोना है। भिगोने के बाद में उनको पानी सारा निकाल देना है और निकालने का जब तक आपका ये सारे सामान जो है टमाटर प्याज ये सारी फ्राई होंगी, इतनी देर में ना जो हमारे पोहा होते हैं पोहा का पानी सोख जाता है और उसके बाद में पोहा का एक एक जो अलग अलग हो जाता है। कभी कभी किसी के साथ में ये प्रॉब्लम होती है कि पोहा ना जैसे हलवा टाइप से बनता है, वो यही कारण है कि आप उसको पानी में धो के कम 5-7 मिनट के लिए पहले रख दीजिए, उसके बाद में ही उसको डालें। ऐसा नहीं करते हैं तो तुरंत के तुरंत धोने के बाद में जैसे डाल देते तो उसमें फिर वो पतला हो जाता है और फिर अच्छे पोहा नहीं बनते हैं एक एक। तो मैं यहाँ पर ना कढ़ाई को रख दिया है, कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया है, जब तक वो ऑयल गर्म होगा तो इसमें मैं भूनने के लिए रख दूँगी पीनट। तो पीनट मुझे पोहा में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं जैसा कि आपको पता है कि, और आलू के साथ में भी मुझे पीनट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स मैं हमेशा इसी टाइप से बनाती हूँ और इन्जॉय करती हैं। तो मॉर्निंग का टाइम है तो फिर ब्रेकफास्ट में कुछ ना कुछ तो बनता ही है, इसलिए फिर भैया भी बोल रहे थे कि आज पोहा बना लो, तो मैंने कहा चलो आज पोहा बनाती हूँ। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बनी रहिएगा। चैनल पर कोई भी न्यू है और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे ऐसे ही वीडियो देखने की चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ना अच्छे से ये चीज़ों को ना भून लिया है, मैंने जो मैंने पीनट डाली थी पीनट को भी भून लिया है, उसके बाद जो आलू फ्राई हैं आलूओं को थोड़ा सा इनको गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई कर लूँगी, और ये मलाई वगैरह जो मैंने यहाँ पर रखी हुई थी तो जस्ट मैंने ये अभी निकाली है फ्रिज में से, तो अभी मैं इसको नहीं चलाऊँगी क्योंकि अगर मैंने ये मलाई अभी चलाई तो ये ना निकलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो सबसे पहले तो मैं ना किसी भी आप भगोने में कुकर में जो भी आपके पास में बर्तन अवेलेबल हो उसमें आप पलट लीजिए। तो
तो मैं ना अपनी सारी जो मलाई है इसकी इसी में पलट दूंगी, और इसके पलटने के बाद मैं कम से कम, मतलब कि यह है कि ये मान लीजिए दोपहर तक आप इसको बाहर ही रखा रहने दीजिए, क्योंकि ना फ्रिज में हो जाती है ये ठंडी, ठंडी की होने की वजह से घी निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये नॉर्मल हो जाती है तो आप चाहें इसे चम्मच से भी निकाल सकते हैं। 2 मिनट लगती हैं घी निकालने में, ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता। तो मैंने यहाँ पर ना इन बर्तनों को धोने के लिए थोड़ा सा गर्म पानी ले लीजिए, गर्म पानी से इसको धोने के ना मतलब बहुत जल्दी धुल जाते हैं, चिकनाहट बिल्कुल भी इसकी ख़त्म हो जाती है। तो मैं इसको ढक के रख दूंगी दोपहर, जब से मेरा सारा किचन का काम हो जाएगा, नहाना धोना घर का पूरा काम हो जाएगा, उसके बाद जैसे ही मैं 12-1 बजे तो मेरा वैसे भी टाइम हो जाता है फ्री होने का, तो उसके बाद में फिर मैं इसको निकालूंगी घी, जब तक यहाँ पर रख दूंगी, क्योंकि पिछली बार भी मैंने ऐसे निकाला था तो फिर मेरा ना निकल नहीं पाया था, क्योंकि जो ग्राइंडर होता है उससे तो जल्दी से निकल आता है, लेकिन नॉर्मल तरीके से फिर ऐसे नहीं निकलता। उसके लिए यही सही तरीका है, अगर आपके पास में रई नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप सिंपल सा इसको ऐसे ही रख के छोड़ दीजिए 2-4 घंटे। 2-4 घंटे के बाद में आप इसको निकालेंगे, अब चम्मच से भी इसको निकालेंगे ना, थोड़ा सा इसको चलाते हुए 2 मिनट में ये निकल जाएगा। तो मैंने ना आलू वगैरह जो है वो सारी चीज़ें भून दी है, भूनने के बाद में जो मेरे को लग रहा था कि इसमें ऑयल ज़्यादा है, तो फिर थोड़ा सा ऑयल मैंने यहाँ पर ना कम कर दिया था, क्योंकि ज़्यादा ऑयल फिर अच्छा भी नहीं लगता खाने में। तो आप लोग देख सकते हैं कि पोहा ना एक एक अच्छे से फ्रेश हो गया है, सारा अच्छा एकदम लग रहा है। तो बस मैंने सारी चीज़ें इसमें कर दी हैं, और फटाफट से मैं अपना पोहा को बना लेती हूँ। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा।
फ्रेंड्स पोहा बन चुका था, पोहा हम लोगों ने खा लिया है, ब्रेकफास्ट हमारा कंप्लीट हुआ है। साथ में ही मैंने भाई को दिया था, उसमें जो लड्डू बनाए थे, बर्फी वगैरह मैंने यहाँ पर घर पर ही कतली जमाई थी दूध के साथ में, उनको भी मैंने दे दिया है। मैंने भी अपना खा लिया है, जो मेरे बर्तन वगैरह थे उनको मैं वॉश करके रख देती हूँ। तो अब जाती हूँ मैं फटाफट से नहाने के लिए। वीडियो कैसा लगा है लाइक कमेंट करके जरूर